बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आई हूँ अपना वीडियो ट्यूटोरियल लेके, लाइक मेकअप ट्यूटोरियल लेके, जो के हैं दिवाली के लिए। आप ये लुक किसी भी फेस्टिव में अप्लाई कर सकते हो, इट विल गो विथ एनी कलर आउटफिट लिटरली। बहुत इजी है, वंस यू आर डन विथ योर बेस मेकअप यू विल नीड लाइक लिटरली 10 मिनट्स टू क्रिएट द लुक। पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दिवाली में आपके घर में बहुत गेस्ट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे बाहर से आते हैं, या तो आप किसी के घर जाते हो, दिवाली पार्टीज होते हैं, दिवाली के लिए यू नो पूजा भी होता है। जैसे मैं बंगाली फैमिली से हूँ, मेरे घर में नहीं होता है पर विकास के घर में होता है। सो जब हम लोग एक साथ रहते हैं वी ट्राई टू सेलिब्रेट दैट एज वेल। क्रैकर्स की बात, आई एम नॉट रियली अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रैकर्स, स्पेशली जो आवाज़ करते हैं। डजेंट मैटर आपके घर में पेट्स है या नहीं है, ये मत सोचिए कि सिर्फ ये पेट्स के लिए, फॉर एनी वन लाइक एल्डरली पीपल, इन्फेंट्स, यू नो छोटे बच्चे। मुझे एक टाइम पे होता है कि इरिटेशन हो जाता है, सो प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं अपने आप के लिए। इट्स नॉट फॉर ओनली एयर पोल्यूशन बट इट ऑल्सो फॉर साउंड पोल्यूशन, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग इरिटेटिंग होता है। चाहे वो दिवाली हो, न्यू ईयर हो, वट एवर, प्लीज़ प्लीज़ try to avoid it. सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं, next generation के लिए। मैंने अपना फेस वॉश किया है विथ सिटिफल जेंटल स्किन क्लिनजर। दिस इज फॉर फेस एंड बॉडी बोथ, फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। अभी विंटर प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मेरा स्किन अभी से ही ड्राई होना स्टार्ट हुआ है। एंड इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, दिस इज़ रियली रियली अ गुड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं इस वीडियो में बोलूँगी, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सब मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, मेरा पर्सनल व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस किया है वही मैं शेयर करूँगी, नथिंग एल्स। दिस इज़ अ सो फ्री माइल्ड लैदरिंग फॉर्मूला फॉर एवरीडे क्लिंजरिंग। और एक बहुत ही बेस्ट पार्ट है अबाउट दिस क्लिंजर कि आप इसको अप्लाई करके पानी से रिंस कर सकते हो। अगर नहीं रिंस करना चाहते हो या पानी अवेलेबल नहीं भी है नियर बाय, इफ यू आर ट्रैवलिंग और थिंग्स लाइक दैट, आप यू नो सॉफ्ट टिश्यू से, जो फेशियल टिश्यूज आते हैं उससे वाइप कर लो, दैट्स ओके। लाइक यू डोंट हैव टू यूज वाटर, यहाँ पे डायरेक्शन फॉर यूज में भी ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे ये मेंशन है, सो दैट्स अनदर गुड पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट आई एम यूजिंग सिटाफिल का ही डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। दिस इज अ वेरी टाइनी पैक, दिस इज इन 30 ग्राम। ये मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि बहुत ही हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइज करता है आपका स्किन और एक ड्यूवी, एक ग्लो भी देता है। मैं अप्लाई करूंगी बेबी लिप्स फ्रॉम मेबेलिन। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूं मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। मैंने 1-2 मिनट के लिए अपने फेस पे जो मॉइस्चराइजर या लोशन मैंने लगाया था उसको मैंने वैसे रख दिया फेस पे ताकि वो थोड़ा सेटल हो जाए। मैं फाउंडेशन यूज करूंगी, दिस इज फ्रॉम L'Oreal। ये अच्छी खासी बिल्डेबल फॉर्मूला में है, आप चाहो तो इसको यू नो लेयर वाइज लेयर्स बिल्ड भी कर सकते हो। मेरा फेवरेट मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी जो वेट है। आई फील के ब्यूटी ब्लेंडर जो है मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आई फील इट। सो ब्रश से ज़्यादा मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा पसंद है। मैं और एक थिन लेयर अप्लाई करूंगी फाउंडेशन के बाद, मैं अभी अप्लाई करूंगी कंसीलर। मैं यहाँ पे 2 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एक तो इस फ्रॉम मेबेलिन एज रिवाइंड,
Another one is again from Maybelline, which is Fit Me Concealer. मैं इन दोनों को अप्लाई करूंगी बिकॉज ये एज रिवाइंड एग्जैक्टली इट्स ऑन माई शेड और ये जो फिट मी कंसीलर है ये एक शेड लाइटर है तो व्हाट आई एम गोना डू आई एम गोना अप्लाई बोथ सो इट गोना कंसील एंड इट गोना गिव ब्राइटन अप माई आई अगर आई लाइनर लगाने के लिए आप इतना प्रो नहीं हो सो दिस काइंड ऑफ मेकअप रियली गोना हेल्प यू करूंगी मैं सेट करूंगी अपने फेस को बाय ट्रू मैच फ्रॉम लॉरियल अगेन और रेस्ट ऑफ द फेस में मैं जस्ट हल्के से पाउडर अप्लाई करूंगी मैं जस्ट डैब नहीं करूंगी जस्ट अ लिटिल बिट मैं ब्राउ पर मैं यूज करूंगी फ्रॉम लॉरियल फॉर आई एम गोना यूज दिस शेड हियर ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट ऑलमोस्ट सेंटर तक लाके और उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी मैं सेम पैलेट से मैं लूंगी ये डीप मरून और ब्राउनिश टोन आप बोल सकते हो और इसको मैं अप्लाई करूंगी सिर्फ कॉर्नर पे मैं इसको उतना यू नो सेंटर तक लेके नहीं जाऊंगी मैं एक्स्ट्रा वाइप कर लूंगी विद अ टिश्यू एंड देन आई विल ब्लेंड इट ओके मेरा वीडियो जो है ऑफ हो गया था सो मैंने क्या किया अपने आईलिड के सेंटर पे मैंने कंसीलर जो है वो अप्लाई किया है आपके पास अगर कंसीलर ना हो या आप मेकअप के लिए कंसीलर यूज नहीं कर रहे हो सो व्हाट यू कैन डू यू कैन अप्लाई द फाउंडेशन एट द सेंटर ऑफ योर आईलिड और आप रिंग फिंगर से थोड़ा उसको डैप करके ब्लेंड कर लीजिएगा लाइक द वे आई डिड हियर मैं सेम पैलेट से लूंगी ये शिमर शेड हियर फ्लैट ब्रश से उसको अप्लाई करूंगी सेम मैं अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैश लाइन में फिर से मैं अपना ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और सब कुछ स्मूथली ब्लेंड कर दूंगी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लिटर या एक्स्ट्रा शाइन ऐड करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ दिवाली है तो थोड़ा सा यू नो ग्लिटरी ज़्यादा हो सो मैं यूज करूंगी ये स्विस का ब्यूटी ग्लिटर आईलाइनर है सो ग्लिटर आईलाइनर आप एज अ आईलाइनर लगा सकते हो और आप चाहो तो इसको एज एन आई शैडो जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसा भी कर सकते हो आई रियली लाइक इट एंड आई फील के जो ऐसा कलर है लाइक गोल्डन हो रोज गोल्ड या सिल्वर आपके कोई भी फेस्टिव आउटफिट के साथ बहुत ही सूटेबल है चाहे आप कोई भी कलर का आउटफिट पहनो
मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन का जेल आईलाइनर और मैं अपर वाटर लाइन पे ड्रॉ करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अपर वाटर लाइन पे ड्रॉ किया है और साथ ही साथ बहुत ही थिन लाइन और क्लोज टू माय आईलैशेस मैंने एक बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ किया है। ओके, उल्टा दिखा दिया शायद। नेक्स्ट यूज करूंगी ये न्यूड आई पेंसिल फ्रॉम BU। मैं चीक पे थोड़ा कंटूर करूँ फ्रॉम मैक। फॉर ब्लशर आई एम गोना यूज दिस क्रीम ब्लशर फ्रॉम मैक। इसको अप्लाई करने से पहले मेक श्योर योर फिंगर्स आर लाइक प्रॉपरली क्लीन। आपका कोई भी मेकअप जो अभी तक यूज किया वो आपके फिंगर्स पे ना रहे। आप ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ एक साथ ब्लेंड कर लो ताकि कोई भी यू नो अलग अलग कलर ना लगे। मैं यूज करूंगी हाइलाइटर इधर मेबेलिन का जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसको भी हाईलाइट करूंगी जो कि काला तिल आपका नहीं भी हो वर यू कैन डू लाइक जो भी आप आईलाइनर लगा रहे हो जो उसका लेफ्ट ओवर रह जाता है एट द एंड ऑफ द एंटायर मेकअप आप जस्ट अप्लाई अ स्मॉल डॉट। आई थिंक दैट लुक्स वेरी कूल। सो लिपस्टिक में यहाँ पे यूज करूँ मेरा लैक्मे का एब्सोल्यूट मैट मेल्ट बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट लाइक सुपर मैट और आपका लिप्स जो है वो ड्राई बना देगा डेफिनेटली नॉट। इवन विंटर में भी आप इसको बहुत ही अच्छे से यू नो अप्लाई कर सकते हो। विंटर में भी आपके लिप्स के लिए बिल्कुल यू नो ड्राई नहीं करेगा क्योंकि विंटर में और ज़्यादा ड्राइंग होता है। इट्स इन 07 माइल्ड मॉव। सेंटर पे थोड़ा सा अप्लाई करूंगी बिल्कुल थोड़ा सा। सो मेरा जो फुल फेस मेकअप है वो रेडी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। सो माय दिवाली लुक इज रेडी। ओके वेट, ओके नाउ आई थिंक इट्स कंप्लीट। मैं नॉर्मली बिंदी नहीं पहनती हूं बट इन वन ऑफ माय वीडियो लाइक ट्यूटोरियल जहाँ पे मैंने मेकअप लुक आलिया भट्ट का क्रिएट किया था वहाँ पे मैंने बिंदी पहना था एंड आई गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फैमिली में फ्रेंड में बहुत जन कॉम्प्लीमेंट किया है आई लुक गुड विद बिंदी। सो आई पुट माई बिंदी ऑन। बाय द वे दिस इज जस्ट अ मरून यू नो काइंड ऑफ बिंदी। मेरे पास कोई ग्लिटर बिंदी नहीं था। आई थिंक वो ग्लिटर या जो स्टोन वाला आता है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा। सो वट आई डिड वो मरून के ऊपर ही मैंने जो मेरा ग्लिटर नेल पॉलिश है आई जस्ट पुट दैट नेल पॉलिश ऑन टॉप ऑफ दैट बिंदी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। एंड आई रियली होप कि मैंने जो मेकअप लुक इस वीडियो पे क्रिएट किया है आपको वो पसंद आएगा। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इट रियली मीन्स अ लॉट।
लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चाहे फ्रेंड के साथ, जिसके भी साथ आपको